पूरे देवी पाटल मंडल में बरसात के महीने में लगभग सभी गांव का यही हाल है। और ये वीडियो आपको दिखाता है कि आखिरकार गांव में कितना विकास हो रहा है और यहां के जो जनप्रतिनिधि है वो आखिरकार कितना जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं कि बच्चों के विद्यालय तक जाने का रास्ता भी नहीं सही करवा पा रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के शिक्षा क्षेत्र प्रयागपुर के बीरपुर से है, जहाँ पर देख लीजिए आप, माध्यमिक विद्यालय तक बच्चे नहीं पहुँच पा रहे हैं। विद्यालय जाने वाले रास्तों पर जानलेवा गड्ढे और कीचड़ हैं, इसी वजह से कई अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पा रहे हैं। आप सोचिए कि यहाँ पर आखिरकार जो शिक्षक हैं वो कैसे पहुँचते होंगे। इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से लेकर के जिलाधिकारी तक से की गई है, परंतु एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिससे छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। विद्यालय का रास्ता जल भराव के कारण इतना खराब हो चुका है कि छात्र हो या शिक्षक या कोई भी हो जो आम ग्रामीण है गांव के, वो इसी कीचड़युक्त रास्ते से होकर जाने के लिए मजबूर हैं, इसी रास्ते से उनको गुजरना पड़ता है। अभिभावकों का कहना है कि जिलाधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर के शीघ्र इस रास्ते को दुरुस्त करने का निर्देश दें, ये रास्ता अब खतरे से खाली नहीं रहा है। जानकारी मिली है कि एक दो छात्रों के साथ में इस रास्ते पर हादसा भी हो चुका है। तमाम गांव के लोग परेशान हैं, शिकायत कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इस साल 2024 में जो बरसात हो रही है, इसने पूरे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की पोल खोल करके रख दी है, और कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मी हैं, कहीं ना कहीं जो ग्राम प्रधान है वो भी जिम्मेदार है। ग्राम प्रधान का एक दायित्व होता है कि वो अपने गांव का विकास करे, इसी के नाम पर वो वोट मांगता है। तो अगर ग्राम प्रधान को ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हमारे क्षेत्र में जो उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय है वहाँ तक बच्चे नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी समस्या है। आखिरकार इस चीज़ को पहले से क्यों नहीं देखा जाता है? बरसात के महीने में लगातार देखा जाता है कि एक दो महीना तक पानी भरा रहता है, इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? इस गांव के लोगों ने जिलाधिकारी बहराइच से न्याय की गुहार लगाई है कि कम से कम बच्चों को स्कूल जाने तक का तो रास्ता उपलब्ध करा दिया जाए। हम अभी इस वीडियो में सभी बच्चों को लेकर आए थे, दिखाएं कि कैसी बुरी हाल है हमारे मार्ग का, ये रास्ते का, ये देख लीजिए। और बहुत ही कठिनाई हो रही है हम लोग ग्रामवासी को निकलने में इस रास्ते से, और हम बहुत ही जूझ कर इस संघर्ष करके निकलते हैं। हमारे बच्चे के लमसम में दो बच्चे का हाथ भी टूट गया है, गिर गए हैं बच्चे, स्कूल वाले, स्कूल के बच्चे बहुत परेशान हैं, हमारे बाल बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। बहुत भारी समस्या है मेरे, हमें इस रास्ते रास्ता से बहुत समस्या है। हमें लोगों को जो लड़के पढ़ने के जाने का असमर्थन है, कुछ लोगों के कारण ही रास्ता जो है बन नहीं रहा है। ये रास्ता बहुत ख़राब है, और ये रास्ते पर लोग बच्चे जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने जाते हैं, प्राइमरी हाई स्कूल में, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दो लोग गए थे पढ़ने, दो लोग गिर गए, उनका पेट टूट गया, वो सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं, डॉक्टरी रिपोर्ट भी हमारे पास है, और बहुत ज़्यादा समस्या है। ग्राम प्रधान कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं, प्रमुख जी भी कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कल डीएम के पास गए थे, डीएम ने बोला कि 7 दिन के बाद कुछ ना कुछ कार्रवाई किया जाएगा। हम लोग दोबारा 22 तारीख को फिर डीएम के पास जाएंगे। तो एप्लीकेशन तो ही दिया, एप्लीकेशन हम लोग डीएम के पास दिए, सांसद जी के पास भी दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ।